हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बिल्कुल लाइट मटन करी की रेसिपी। बच्चों के लिए मटन बहुत हेल्दी होता है, आपको महीने में 2-3 दिन मटन ज़रूर बच्चे को देना चाहिए, वेट गेनिंग होता है। अगर आपका बच्चा बिल्कुल दुबला पतला सा है तो आप ये मटन ज़रूर अपने बच्चे को खिलाइएगा। जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आपका बच्चा ये मटन स्टू खाएगा ना तो उसका वेट गेन ज़रूर होगा। ऐसे ही मैं अपनी बेटी को मटन बना के देती हूँ जो उसको बहुत पसंद आता है, बिल्कुल लाइट होता है। आप समर सीज़न में भी ये मटन ईजिली बच्चे को बना के दे सकते हैं, बच्चे को राइस या रोटी के साथ ये मटन करी आप बना के दे सकते हैं, बच्चे इजीली खा भी लेंगे, डिलीशियस होता है, उन्हें पसंद भी आएगा। तो चलिए मेरे किचन में आज बना लेते हैं मटन करी। मटन स्टू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मटन। मटन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी होता है, आप बच्चे को महीने में 1 दिन या 2 दिन मटन ज़रूर खिला सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ मसाले ले लिया है, जैसे कि अदरक, लहसुन, थोड़ा सा जीरा और अनियन, इसको मैंने एक साथ पेस्ट करके लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा ही है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिया है, जैसे कि ये पोटैटोज़, 2 अनियन लिया है मैंने, 2 टोमेटोज़ लिया है मैंने, 2 हरी मिर्च, ये कैरेट्स लिया है जिसको मैंने लंबा लंबा ऐसे कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने कुछ सूखे मसाले लिया है, जैसे कि ये तेज़पत्ता, दालचीनी, इलायची, लौंग और ब्लैक पेपर। तो अभी सबसे पहले हम मटन मैरिनेट कर लेंगे। तो उसके लिए मैं एक बोल में ले रही हूँ ये मटन। अब इसमें मैं थोड़ा सा मसाले दे दूँगी, जो मसाले मैंने पीस लिया था। पूरा मसाला मुझे इसमें नहीं देना है, बस थोड़ा सा देना है। थोड़ा सा हल्दी, स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक और 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब अच्छे से हाथ से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो बस मैंने ये मटन मैरिनेट कर लिया है, अब इसको हम साइड में रख देते हैं। और अब स्टू बनाने के लिए मैंने गैस में रख दिया है ये कढ़ाई, और इसमें मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि ये जो मटन स्टू है वो मैं मस्टर्ड ऑयल से ही बनाने वाली हूँ। अब तेल गर्म होने पर मैं सबसे पहले ये जो सूखे मसाले हमने लिया था वो दे देंगे, हरी मिर्च दे देंगे और थोड़ी देर इसको हम तिरकने देते हैं। और अब मैं इसमें दे दूंगी वो पोटैटोज जो हमने कट करके रखा था। पोटैटोज को हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। इस बीच आपका गैस का फ्लेम बिल्कुल लो से मीडियम के बीच में होना चाहिए। तो बस इतना ही मुझे पोटैटो इतना ही फ्राई करना है। अब इसमें सारे वेजिटेबल्स मैं दे दूंगी, जैसे कि ये गाजर, अनियन, टोमेटोज, ये हम कट नहीं करेंगे, ये हम ऐसे ही दे देंगे पूरा। बाद में जब ये स्टू बन जाता है ना, तब आप इसको अलग से निकाल के अपने बच्चे को खिला सकते हैं, या तो फिर एक मतलब पूरा ही आप दे सकते हैं। पूरा सॉफ्ट हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये जो होता है ना कढ़ी के साथ बिल्कुल मिक्स नहीं हो जाता है, तो अच्छा लगता है खाने में। तो इसलिए मैं जब भी मम्मम के लिए मटन बनाती हूँ, मैं सारे जो वेजिटेबल्स है वो ऐसे ही पूरा ही दे देती हूँ, कट करके नहीं देती हूँ। तो बस इतना ही मुझे फ्राई करना है, इससे ज़्यादा मुझे फ्राई नहीं करना है सारे वेजिटेबल्स। अब मैं इसमें दे दूंगी मटन। अब मटन के साथ मैं थोड़ी देर इसको कुक कर लूंगी। और अब मैं इसमें दे दूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर। वैसे तो स्टू में हल्दी नहीं डाला जाता है, बट ये प्रॉपर स्टू नहीं है, ये आप मेरे स्टाइल में स्टू बोल सकते हैं, क्योंकि ये पतला सा ही है और वैसे भी हल्दी बहुत हेल्दी होता है तो चलता है। थोड़ा सा और नमक, नमक यहाँ पे आप ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि मटन में ऑलरेडी नमक है, बस सब्जियों के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा नमक देना है। जो थोड़ा सा मसाला हमने बचा के रखा था, अब वो मसाला भी हम इसमें दे देंगे। और बिल्कुल मीडियम फ्लेम में हम इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर कुक करेंगे। जब तक इसमें से थोड़ा सा ऑयल ना निकले ना, तब तक हम इसको लगातार कुक करते जाएंगे। आपको चलाते जाना है वरना नीचे लग सकता है। आपको करीबन 10 से 15 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम के बीच में इसको कुक करते रहना है, और तब तक कुक करते रहना है जब तक इसमें से ऑयल ना निकले। आप देखना थोड़ा थोड़ा ऑयल निकलने लगेगा और जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल चला जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कुक हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि ये अच्छे से कुक हो चुका है। अब मैं इसको निकाल के प्रेशर कुकर में दे दूंगी बॉयल होने के लिए। तो सारी चीज़ें मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब मैं इसमें दे दूंगी पानी। पानी यहाँ पे मैं 1.5 कप यूज़ कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मटन ज़्यादा लिया है तो आपको पानी थोड़ा सा ज़्यादा देना है, या तो फिर आप अगर ज़्यादा कड़ी रखना चाहते हो, स्टू अगर ज़्यादा रखना चाहते हो, तो आपको ज़्यादा पानी देना है। अब बस प्रेशर कुकर का हम लीड बंद करेंगे
और करीबन 6 से 7 सीटी हम इसमें देंगे। तो ये मटन स्टू बनके तैयार है, आप देख सकते हो सारी चीज़ें अच्छे से बॉयल हो चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब मैं इसको निकाल के सर्व कर दूंगी। तो ये मटन स्टू बनके बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से। हेल्दी एंड टेस्टी होता है ये मटन स्टू। आप 1 से 1.5 साल के बाद से ही ये मटन स्टू अपने बच्चे को बना के दे सकते हैं। ये आप अपने बच्चे को राइस के साथ या रोटी के साथ दे सकते हैं, या तो फिर ऐसे ही दे सकते हैं, आपके बच्चे को बहुत पसंद आएगा। अगर आपका बच्चा बिल्कुल दुबला पतला है तो आप ये महीने में 2-3 दिन अपने बच्चे को बना के दीजिए, उसका वेट गेन ज़रूर होगा। तो ऐसे आप मटन स्टू ज़रूर बनाइए और अपने बच्चे को खिलाइए, आई एम श्योर कि आपके बच्चे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो बस ये थी मटन कड़ी की रेसिपी, बहुत जल्दी बन जाता है, उतना ज़्यादा तामझाम की भी ज़रूरत नहीं है, बट बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप अगर ऐसे सब्जी वगैरह देके मटन बनाएंगे ना तो आपके बच्चे के लिए बहुत हेल्दी होगा। और अगर आपका बच्चा होता है ना कि कभी कभी सारी सब्जी मिला के अगर आप मटन बनाते हो तो सारी सब्जी गल जाती है और जो कड़ी है वो थिक हो जाता है और बच्चे कभी कभी पसंद नहीं करते हैं वैसे खाना, तो आप अगर ऐसे वेजिटेबल ऐड करके अपने बच्चे के लिए मटन बनाएंगे तो जो कड़ी है वो थिक नहीं होगा और आपके बच्चे के मन के मुताबिक आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं। मतलब अगर उसे वेजिटेबल खाना है तो खाए, वरना वो ना खाए, सिर्फ मटन ही खाए, बट जो वेजिटेबल का गुण है वो कड़ी में आ जाता है, तो बहुत हेल्दी होता है बच्चों के लिए। मैं ऐसे ही अपनी बेटी के लिए मटन बना के देती हूँ, उसे बहुत पसंद आता है एंड ट्रस्ट मी, मेरे हस्बैंड को भी यही रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आई एम श्योर कि ये रेसिपी आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लीज़ इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Then go away. Come again another day. Little Johnny wants to play. Then go away.